camera, roll, action! राइसन फिल्म में काम करती हूँ, मेरे का डॉन का रोल है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करके। एक नेगेटिव रोल में हूँ जबकि मेरा अपना जो बिहेवियर है वो ऐसा नहीं है। मैं बहुत शांत मिजाज की हूँ और इस किरदार में ढलने का मुझे मौका मिला कि कैसे इस तरह के इसको जिया जाता है। अच्छा लग रहा है मुझे। शुरू की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वैसे भी आगे से खुला है, बनियान है, फिर यहाँ से भी खुला है, हवा लगती है, पसीने से भीगा जरूर है, लेकिन मैं कैरेक्टर में हूँ और कैरेक्टर में हूँ तो इसलिए काम पे ध्यान रहता है और काम पे ध्यान रहता है तो गर्मी लगती नहीं। देखो, मैं काफ़ी समय से महसूस कर रहा था कि एक जनरेशन गैप पैदा हो रहा था नई जनरेशन के बीच में और हमारे बीच में। तो मुझे लगता था कि यार ये ऐसा क्या हो रहा है, वक्त के साथ में धीरे धीरे जो नए बच्चे हैं उनके और हमारे बीच में एक जनरेशन गैप आ रहा है थिंक का और का। तो कुछ मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं जनरेशन गैप कैसे ख़त्म कर पाऊँ। अचानक जब मेरी मुलाकात डायरेक्टर साहब से हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि यार एक राजस्थानी भाषा में फिल्म बन रही है तो राजस्थानी भाषा में बना के मेरे को खुशी होगी और प्लस ये जनरेशन गैप है वो मैं कम कर पाऊँगा, ताकि ये जनरेशन ये ना सोचे कि हमारी जो पीढ़ी है और उनके बीच में गैप आ गया तो इनकी थिंक अलग है। तो उस थिंक को कवर करने के लिए मैंने स्पेशली ये काम करा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बात शूटिंग करके भी अच्छा लग रहा है और जो बच्चे नई जनरेशन के मेरे साथ जो काम कर रहे हैं और उनके साथ काम करने के बाद में वो जो मेरे से घुल मिल गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार अब हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी उम्र ज़्यादा है या उनकी कम है। और वो पहले जैसे मेरे को मजाक में अंकल भी कहते लेकिन भाई साहब करने लग गए और विचारों का भी गैप कम हो गया इससे। तो मुझे लगा कि यार आदमी को अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए उम्र के हिसाब से, नई जो जनरेशन है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनकी थिंक एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने आप को उन जनरेशन का लीडर बनाना चाहिए। लाइट लग जाए एक बार फिर सुन रहे पूनम गोस्वामी फ्रॉम मुंबई और मुझे इस मूवी में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी का माहौल है यहाँ पर और बहुत तेज़ धूप है। सुना था कि राजस्थान की गर्मी जला देती है इंसान को, वो पहली बार मैं फेस कर रही हूँ इतनी गर्मी में। और नॉर्मली गर्मी मतलब कि शूट करना गर्मी में धूप में और 45 डिग्री से भी ऊपर यहाँ का तापमान है और साथ में जिसको कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में लू चल रही है जिसको कहते हैं, गर्म हवाओं के साथ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। गर्मी भी लग रही है, ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सब कुछ अच्छा है। और मूवी के बारे में तो आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मूवी की स्टोरी क्या है, कैसी है। मतलब मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस मूवी को और इस फिल्म को। इस फिल्म में काम करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले सरकार की सेवा की थी, अब समाज की सामाजिक संस्कृति की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरी कोशिश के साथ इसकी सेवा करूंगा, अपनी संस्कृति बची रहे, अपनी राजस्थानी भाषा बची रहे। और राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा है और आपको राजस्थानी बोली के इतने मीठे और इतने प्रिय हैं कि आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में राजस्थानी मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह शेखावत, प्रोप्राइटर चंद्र फिल्म्स प्रोडक्शन। अपने चंद्र फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही दूसरी फिल्म राजस्थानी भाषा की है छोरो नंबर वन। इस फिल्म की अभी शूटिंग चल रही है और यह फिल्म एक राजस्थानी भाषा को बचाने के लिए तो है ही है,
साथ ही साथ ये एक सामाजिक पिक्चर है और एक संदेश भी देती है। और इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं और इस फिल्म के मुख्य जो कलाकार हैं वो अफजल गोरी हैं, उनके अपोजिट पूनम गोस्वामी हैं और दीपिका धुलकोटिया है। खलनायकों की बात करें तो इसमें देवजी शास्त्री हैं और राजकुमार नायक हैं और लेडी डॉन है, डॉक्टर बबली वशिष्ठ हैं, सुशील सेली हैं जो कि दिल्ली से हैं, ये इसमें खलनायक की भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही इसमें सुशील जी जोशी जो सरदार सर से हैं, पुरुषोत्तम जी हैं और इसी प्रकार अन्य कलाकार भी इसमें अभिनय कर रहे हैं। ये फिल्म की कहानी इसमें है कि ये गांव की ये कहानी है जी, है ना। इस गांव में दो परिवार होते हैं जिसमें वर्चस्व की आपस में लड़ाई होती है। एक परिवार 40 साल से एक मंदिर है उसमें वो घंटा बजा रहा है और उनका वर्चस्व खत्म होता है तो दूसरा परिवार के पास ये जिम्मेवारी आती है। तो पहला परिवार है जो कि राजपाल है वो इससे दुखी होना लाजमी है। सामाजिक पिक्चर है, मनोरंजन भी ये खूब करेगी। आपको बताऊँ हास्य और व्यंग्य भी इसमें जमकर हैं, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और इस फिल्म के DOP अपने ओम जी पूनिया हैं, उनके सहायक के रूप में गौरव शर्मा काम कर रहे हैं और गीत रफीक जी राजस्थानी ने लिखे हैं जो कि फिल्मी दुनिया के जाना माना नाम है। एक बड़ी बड़ी फिल्मों में उनके गीत आ चुके हैं, वो अपने फिल्म के उन्होंने गीत लिखे हैं और कहानी खुद मेरी है, राजेंद्र सिंह शेखावत की, निर्माता निर्देशक मैं हुई हूँ। और राजस्थान सरकार से मैं तो यही कहता हूँ कि भाई राजस्थान सरकार राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान राशि और बढ़ाकर 50 लाख रुपये करें। जय हिंद।